ये क्या कर दिया विहान, सारा नींबू का अचार का देखना मुझे पता भी नहीं चलता। इसका हाथ ना ही थोड़ा, अभी इसकी हाइट बड़ी है, ये नींबू का इतना टेस्टी अचार है और ये हाथ डाल के इसके हाथ धुलवाने पड़ेंगे। यहाँ रखा हुआ था, चीजें उठा लेता है ये रसोई में से। फाइनली हम आ गए हैं, अब हमारा जो तीसरा नया घर है उसकी साफ सफाई, तो आप फ्लोर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैं ये दोनों झाड़ू ले आई और एक बार मैं सफाई करी थी, ऐसे ही करी थी ऊपर ऊपर से, और कमेंट्स आ रहे थे कि आपने उस दिन इसीलिए इस घर की सफाई की थी क्योंकि आपने ले लिया था, तो उस दिन लिया नहीं था, उस दिन तो सफाई इसीलिए की थी मैंने कि स्कूबी बैठता है ऊपर वाले घर में, यहाँ बैठा रहता है, गर्मी नहीं लगती हवा, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह है यहाँ पर तो। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता था कि मुझे लेना है ये वाला घर, इसके लिए मैं कोशिश कर रही थी। मैंने फॉर्म काफ़ी, मतलब मैंने आपको बताया तो आज है कि मैंने ये घर लिया, लेकिन इसके लिए जो फॉर्म वगैरह है मैं 5-6 दिन पहले भर के आई थी, गर्मी में गई थी, बैंक भी गई थी, बट रीज़न उस टाइम नहीं बताया था, काम होने के बाद ही बताती हूँ मैं थोड़ा सा। जल्दी से लगते हैं, मम्मी को अभी तक ये घर दिखाया नहीं है, उनको सरप्राइज़ देंगे लेकिन सफाई होने के बाद। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ की रसोई साफ करते हैं। आप इसका फ्लोर देखोगे ना, कितनी मिट्टी है, ये देखो कितनी मिट्टी है यहाँ पर, जाले भी लगे हुए हैं ऊपर भी, कभी सफाई हुई नहीं है लगता इस घर के नीचे भी, तो रसोई साफ कर लेते हैं पहले हम। आप सबका दिल से थैंक यू, आप सबने मुझे इतनी अच्छी अच्छी कॉन्ग्रेचुलेशन दी, विशेज़ दी, मुझे सच में बहुत ही पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक दो कमेंट्स थे, एक ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब एक दो गंदे कमेंट्स भी होते हैं, देखिए अच्छे लोग हैं, अच्छे कॉमेंट करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कॉमेंट्स भी करते हैं। तो किसी ने मुझे बोला तेरा तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ चक्कर चल रहा है, हमें पता है तभी तेरे इतने घर हो जाते हैं। मतलब एक लड़की अगर अपनी दिन रात मेहनत करके कुछ घर बना रही है तो लोगों को ये लगता है कि यार वो कुछ गलती कर रही होगी जिससे कि वो घर बना लेगी। मतलब इस तरीके की सोच बहुत गलत है। मतलब अगर कोई लड़की छोटी उम्र में कुछ बड़ी चीजें करने के सपने देखती है, मेहनत कर रही है, तो उसको उसके कैरेक्टर पे हमला कर देते हैं लोग। मतलब मेरे को इतना बुरा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर ये चीजें बोल दी कॉमेंट में कि हाँ इसका ये तो ना, मतलब पता नहीं कैसे पैसा कमाती है, पता नहीं क्या करती होगी जो इतने घर ले रही है। मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट कैसे कर लेते हैं। मैंने बल्कि पहले ही बोला था कि मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो ये तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को वो गंदा कमेंट लगा, मैंने उस आईडी को ब्लॉक कर दिया था। बट आप सबके बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे, उनका दिल से थैंक यू। हाँ, लेकिन एक कमेंट और था जिसने मेरे से प्रूफ मांगा था कि ना उसने बोला था कि ना ये इसके कोई घर घुर नहीं होते, ये ना दूसरों के घरों को अपना घर बता देती है। मुझे एक बात बताइए, मैंने अपनी मेरी एक पुरानी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने अपने पहले घर का भी अलॉटमेंट लेटर आपके साथ शेयर किया था। इवन मुझे जब पहले घर का पोजेशन मिला था, मैंने वो पोजेशन का कागज भी आप लोगों को दिखाया था, और जो नीचे वाला जो घर है मेरा, इस नीचे वाला, उसका मैंने अलॉटमेंट लेटर आप सबके साथ शेयर किया था। और पोजेशन मुझे उस दिन मिल जाएगा, कंप्लीट पोजेशन, जब मैं पूरे पैसे कंप्लीट चुका दूंगी। तो ये बात थी। तो अभी इस वाले घर का भी मैं जो भी कागजी प्रूफ है वो मैं जल्दी शेयर कर दूंगी जब मेरे पास होंगे, और कुछ हैं वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती लेकिन मैं कर दूंगी। तो देखिए एक बात बताइए, लेकिन मेरे को ना उस कमेंट पे किसी ने कमेंट कर रखा था, कहा था कि एक बात बताओ किसी और के घर में कोई अपना इतना पैसा लगाएगा, टाइल्स लगवाएगा, इतनी सारी, इतना काम थोड़ी करवाता है, हर कोई अपने ही घर में करवाता है। और ये बात बिल्कुल सही बोली थी, एक बात बताइए इतना पैसा किसी के कोई और अब दूसरे किराए के घर पे लगाएगा क्या, इतनी टाइलें लगवाना दीवारों पे, पीछे इतना काम मैंने करवाया था, किसी और के घर पे कोई नहीं करवाता, अपने ही घर पे करवाता है। और इस पे कमेंट आया था, देखिए आप कह रहे थे कि इस घर में भी आप वैसा ही काम करवाना जैसे नीचे वाले घर में करवाया था। तो देखिए दिल तो बहुत है वैसा काम करवाने का, लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है, और अभी मेरे पास सच में कुछ खास पैसा है नहीं। मुझे कमेंट भी आया था, किसी ने बोला था कि
आप तो कह रहे थे कि आपके अकाउंट में बिल्कुल ही पैसा नहीं है, तो इसका मतलब इसका कैसे अब ये तुमने ले लिया ये सब। तो मैं उसका भी जवाब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, मैंने इस घर के ना स्टार्टिंग में 45,000 रुपये भरने थे, वो पैसे मैंने भर दिए थे पहले, आज से 5-7-10 दिन पहले। तो वो जो बात मैंने बोली थी ना स्टेटमेंट की, मेरे अकाउंट बिल्कुल खाली है, तो वो अकाउंट वाली बात मैंने बाद में बोली थी, मतलब वो इसके पैसे मैंने पहले चुका दिए थे, अब आप समझिए, ठीक है। और जो बाकी इसके पैसे हैं, देखिए वो मैं मेहनत अपनी तरफ से पूरी लगी हुई हूँ, कर रही हूँ, और हाँ 1 लाख रुपए मेरे कम पड़ेंगे, वो मैं पापा जी से एक बार लूँगी, और लेकिन मैं वो पापा जी के 1 लाख रुपए बाद में मैं रिटर्न कर दूँगी। मैंने पापा जी को बोला हुआ है, मैं हर महीने आपको 5-5 हज़ार रुपये करके इस तरीके से, या 5-5, 6-6 हज़ार करके मैं आपके पैसे वापस कर दूँगी। तो मैं बस उसके बाद जो मेरी किस्तें होंगी वो मैं खुद चुकाऊँगी, मेरी मेहनत होगी दिन रात की जो मैं करूँगी, और मैंने मुझे लगा कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, मेरे में इतना मैं करूँगी, इसीलिए मैंने खुद के साथ ये खुद को ये मौका दिया, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलना था, क्योंकि ये घर अभी बिकने लग रहे थे, और अगर ये मेरे मेरे घर के ऊपर वाला घर बिक जाता तो मैं कभी भी ये ऊपर नीचे का इस तरीके से घर कभी नहीं बना पाती। इसलिए मम्मा यहाँ पर आए थे, आपको पता है मम्मी अभी तक ऊपर घर भी नहीं देखा, मम्मी ने बस, मम्मी को न्यूज़ पता है, मम्मी घर ले लिया ना, पता है मैंने मम्मा को बताया, मम्मी तीसरा घर ले लिया, मम्मी बोलते 3 घर शुभ नहीं होते, 4 लियो, चौथा एक और ले लियो। तो अभी मम्मी को, मम्मी झाड़ू तो उसमें आ गया, ये देखो बीच में फंस गया। तो अभी मम्मी ऊपर वाले घर में देखने भी नहीं आए हैं, एक बार मैं थोड़ा साफ सफाई कर लूंगी फिर मम्मी को घर दिखाऊंगी। अभी बस हाँ, मम्मी मम्मी का रिएक्शन थोड़ा सा नॉर्मल सा ही था, जब मम्मी को पता चला ना घर लिया, मम्मी बोलते ठीक है, अच्छा ओके, ऐसे बोला। ये देखिए एकदम देसी जो खोआ होता है ना बढ़िया वाला, वो वाली ये मिठाई है। मैं तो काफ़ी टाइम से मिठाई छोड़ रखी है खाने, फिर भी कल मैंने एक पीस खा लिया। एक्चुअली घर लेने की खुशी में पापा जी कल ये मिठाई लाए थे, लेकिन ये मिठाई ना भोग में नहीं लगी, क्योंकि कल आई थी शाम को और पैकेट खोला और उसके बाद विहान को एक पीस दे दिया था। तो एक होता है ना कि मिठाई आती है तो थोड़ा मंदिर में प्रसाद के तरीके से रखा जाता है, कि घर खरीदने की खुशी में ली है, खरीदी है मिठाई, और फिर निकालना भी होता है, देखिए श्राद्ध का टाइम चल रहा है तो वो नहीं है, तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर ये सुबह हम लेके जाने लगे मिठाई, मम्मी बोलती नहीं इस पे झूठ हो गई क्योंकि ये खोल ली, तो फिर से जाएंगे। फिर आज सुबह हम गए थे जब कि मिठाई लेकर आए, तब दुकानें नहीं खुली थी, तो आज शाम तक मिठाई लाएंगे, फिर मंदिर में चढ़ा के उसके बाद फिर जैसे निकाल के जैसे पितरों का सबका, उसके बाद जैसे घर में फिर मिठाई खाएंगे। ये तो वैसे ही फिर हमने ही सोच लिया कि ये वाली मिठाई को वैसे ही समझ लो, जैसे घर में वैसे ही नहीं आ जाती मिठाई। तो आप सब भी देखिए तीसरा घर खरीदने की खुशी में आप सब भी मुँह मीठा कर लीजिए मेरी तरफ से। मैं चाहती तो नहीं थी, मुझे लगता है कि सबको मुझ पर इतना तो यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि हाँ प्रूफ दो कि आपने ख़रीदा है ये घर तीसरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ मैं आपके साथ, जिसमें आप खुद पढ़ भी सकते हो। मैंने यहाँ 8,30,000 का ये फ्लैट छूटा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आप पढ़ लो, और इसका मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला कि 8,30,000 में छूटा है, और ब्याज भरूंगी 3 साल का तो 9-9.5 लाख का मुझे पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 5 लाख पे 1 लाख ब्याज लगता है 3 साल का। तो ये देख लो आप, तो मेरे को 6-6.25 लाख पे कितना ब्याज लगेगा, करीबन करीबन 1.5-1 लाख हो जाएगा, 1,30,000-35,000 इतना ब्याज मेरे को लगेगा 3 साल का, 10% ब्याज लगता है। तो अगर मेरे पास सारे पैसे होते ना इकट्ठे भरने के लिए, तो मैं 8,30,000 में ख़त्म कर सकती थी डील पूरी, बट मेरे पास नहीं है पैसे इतने, तो मैं धीरे धीरे चुकाऊंगी, मतलब इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगी, 3 साल में हो जाएगा, पोजेशन मिल जाएगा 3 साल में। बाकी हाँ ये बात आपने सही कही कि मैं किराए पे भी चढ़ा सकती हूँ, किराया आएगा उन पैसों को भी जमा करके आगे इंस्टॉलमेंट में मुझे मदद मिल सकती है, इंस्टॉलमेंट्स जो भरनी है उसके लिए, कि किराया आएगा वहाँ से इंस्टॉलमेंट भी थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना, इस तरीके से ही आप समझा रहे थे। तो देखते हैं, वो तो मुझे नहीं पता अभी आगे क्या कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने प्रूफ थोड़ा सा ना उसमें से वो अपना घर का एड्रेस हटा के डाला है, ताकि मेरा एड्रेस ना आए, वो दिक्कत हो जाती ना, इसीलिए थोड़ा सा बस मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया। अभी इसमें आप देख सकते हो मुझे 1,62,000 रुपये भरने हैं, है ना,
इतने पैसे मुझे भरने हैं, उसके बाद मेरी इंस्टॉलमेंट लग जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और आपको सच में जो बात है मैं बता देती हूँ, मैंने बता दिया है कि हाँ 62,000 रुपये मैं खुद अरेंज कर लूँगी, मैं इतना कर लूँगी। लेकिन हाँ 1,00,000 रुपये पापा जी से एक बार उधारे मैं लूँगी, लेकिन मैं पापा जी के रिटर्न जरूर करूँगी। हर महीने 5-6 हज़ार कर करके, मैं ऐसा नहीं कि इकट्ठा दूंगी, मैं 5 हर महीने देती रहूँगी, 5,000-5,000 कर करके 6,000 कभी दे दिए, कभी 7,000, इस तरीके से धीरे धीरे वापस कर दूंगी। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ, आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि इतना सारा लोन है आपके ऊपर, कल को भारी मुसीबत आ जाए, पैसे की जरूरत होती है, हाथ में पैसा नहीं रख रहे हो बिल्कुल, कहाँ से करोगे, तो देखिए मैंने उसके लिए भी कुछ सोचा हुआ है कि अगर मेरे को ना नौकरी करनी पड़ी यूट्यूब के साथ साथ, तो मैं वो नौकरी करूंगी, लेकिन मैं पैसे में चुकाऊंगी। मैंने आपको क्या कहा है, 24 में से 20 घंटे भी मुझे मेहनत करनी पड़ी तो वो मैं करूंगी, मैं मेहनत करने से नहीं डरती। हाँ अगर कोई नौकरी में करनी पड़ी या ट्यूशंस पढ़ा लूंगी, मैं ये वो भी सोच रही हूँ कि मैं खुद का ना, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ इस बिल्डिंग को ना मैं पूरा तैयार करके ना एक ट्यूशन सेंटर खोल लूँ, ऊपर नीचे दोनों बिल्डिंग, मतलब ट्यूशंस, होम ट्यूशंस पढ़ाऊँ। तो क्योंकि मेरे को ना मेरी नॉलेज अच्छी है, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ शुरू से, तो अगर मैं 10th तक के स्टूडेंट्स भी पढ़ाऊँगी, मतलब अपनी लोकेलिटी के, तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं सच्चे दिल से मेहनत से पढ़ाऊंगी और अच्छा पढ़ाऊंगी, तो महीने के मैं 20,000-15,000-20,000 तो मैं ट्यूशंस पढ़ा के भी घर बैठे निकाल सकती हूँ। शुरू में मान लो 2,000 आए 3,000, धीरे धीरे ही काम जचता है, तो अगर मैं वो भी काम करती हूँ तब भी मैं इंस्टॉलमेंट्स धीरे धीरे चुका सकती हूँ, मैं वो कर लूंगी। मैं वही सोच रही हूँ, मैं होम ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगी। मैं कुछ अगर मैंने सोचा है, मैंने अगर पाँव डाला है, तो मेरे को वहां से कैसे आगे निकलना है वो रास्ता मेरे को मेरे भगवान जी बताएंगे, और मैं मेहनत करती रहूंगी उस रास्ते पे। तो हाँ मैं आगे अब आने वाले टाइम में अब खुद का ट्यूशन सेंटर शुरू कर लूंगी, अपना ऊपर पूरा वो बैच शुरू कर लूंगी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, है ना। ये चीज मैं सोच रही हूँ, बताइएगा सही सोच रही हूँ क्या, है ना, बताइएगा कि अपना खुद का काम शुरू हो जाएगा मेरा, मतलब और अपना पूरा वो एरिया भी यूज हो जाएगा, कुछ मेरी इनकम भी हो जाएगी, सोचा है मैंने। चलिए आप बताइएगा। और ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में